आदिवासियों का लोकप्रिय पर्व कुर्राट के साथ मांदल की थाप और बांसुरी की धुन पर शुक्रवार को टांडा बरूड में भगोरिया हाट का खूब रंग जमा। भगोरिया हाट में हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के महिला पुरुष और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। कई लोग ढोल मांदल के साथ नाचते गाते हुए भगोरिया हाट में पहुंचे। इस दौरान चारों ओर आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली। भगोरिया हाट में ढोल मांदल के साथ बांसुरी और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर समाजजनों ने जमकर नृत्य किया, वहीं झूलों का भी जमकर आनंद लिया। भगोरिया हाट में मेले में सजी दुकानों पर खरीदारी भी जमकर हुई। कई लोगों ने होली की सामग्री भी खरीदी, वहीं खाने पीने के सामान की भी खूब बिक्री हुई। यहां भी भारी जनसैलाब उमड़ा। आदिवासी समाजजनों ने साल भर में एक बार लगने वाले भगोरिया हाट को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। वहीं पुलिस थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह लोवंशी द्वारा भी अपनी पुलिस टीम के साथ व्यवस्था बनाए हुए हैं। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। भगोरिया हाट टाना बरूड में लगा हुआ है, इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरा, अस्थायी पुलिस चौकी एवं भीड़ प्रभारी और सभी अलग अलग क्षेत्र बांटकर ड्यूटी लगाई गई है और महिला पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। और मांदल में अलग है, बाजार में अलग है। इस प्रकार से करीब 10-12 हज़ार की जनसंख्या है जो भगोरिया हाट में आई है और शांतिपूर्वक भगोरिया चल रहा है। आज तीसरा भंगोरिया हमारे विधानसभा क्षेत्र भगवानपुरा 186 का बरूल ग्राम बरूल में भंगोरिया है। कोरोना काल आया था, 2-3 साल से हमारे यहाँ भंगोरिया नहीं मनाया गया था। आज कोरोना काल जाने से आज आदिवासियों में हर्षोल्लास से भंगोरिया पर्व मनाया जा रहा है। पूरे पहाड़ी अंचल से आसपास के दूरदराज के माताएं बहनें हमारे होली पर्व के लिए कुछ कंगन वगैरह खरीदारी के लिए सारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक आए हुए हैं और हमारे बीच में भी ढोल मांदल बांसुरी और हमारे आदिवासी जितने भी हथियार है उस हिसाब से सबको लेकर आए हैं और हर्षोल्लास से हमारा भंगोरिया पर्व भंगोरिया हाट मना रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुभाष पटेल, आदिवासी एकता परिषद जिला अध्यक्ष खरगोन, जय जिला प्रभारी खरगोन मध्य प्रदेश। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।